ये स्टूडेंट्स ना वी विल डिस्कस इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर्स कि जब हम लोग डिफरेंट एटीट्यूड्स को देखते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटी को देखते हैं आकोपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से तो उन लोगों में चीज़ों में पर्सनैलिटी में मिस मैच आता है फिर उसकी जो इम्प्लीकेशन मैनेजर्स पर आती है वो क्या आती है कि मैनेजर्स लोगों को डील करने में क्या मुश्किल का सामना पेश आता है मैनेजर्स अब उनको डील करेगा तो किस तरह से डील करेगा तो किस तरह मैनेजर उन चीज़ों को फ्यूचर पर्पज़ के लिए अपने जेन में स्टोर रखेगा कि उनको कैसे डील करना है तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाईज़ आर गोइंग टू लर्न ऑन द जॉब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नया आने वाला एम्प्लॉई उस तरह बिहेव नहीं करेगा जो कि एक बीस साल इम्प्लाई का एक्सपीरियंस है वो जो बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इम्प्लाईज़ विल लर्न फ्रॉम जॉब इम्प्लॉयज़ विल लर्न विद इन द जॉब सम टाइम ऑन जॉब ट्रेनिंग की वजह से सम टाइम ऑफ जॉब ट्रेनिंग की वजह से सम टाइम जॉब एक्सपीरियंसिस की वजह से इस तरह इम्प्लाईज़ आर गोइंग टू लर्न ऑन दॉब द ओनली इशू इज़ वेदर मैनेजर्स आर गोइंग टू मैनेज दर्निंग थ्रू द रिड दही काम नहीं किया उसको पनिश किया गया एक बंदे ने सही काम किया उसको रिवार्ड दिया गया वट इज़ एग्जाम्पल कि वहाँ पे सजा जजा का कानून है जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये कानून होगा वहां पे इंप्लाईज के रिजल्ट ज्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू दो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इम्प्लाई के एफर्ट को रिवार्ड नहीं दिया जाता इफ मैनेजर्स वांट बिहेवियर ए बट रिवार्ड बिहेवियर बी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो चाहता है कि बिहेवियर ए हो बट रिवार्ड बिहेवियर बी दे शुड नॉट बी सरप्राइज टू फाइंड इम्प्लाईज लर्निंग टू एंगेज इन बिहेवियर बी इंप्लाई वो बिहेव करेगा जिसके ऊपर रिवार्ड है याद रखिएगा जिस चीज़ पे रिवार्ड नहीं है कम इम्प्लाई वो बिहेव करेंगे ज़्यादा इंप्लाई वो बिहेव करेंगे, करेंगे जिसके ऊपर रिवार्ड है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम बच्चों को टीच करते हैं तो वहाँ ये बताया जाता है कि हमेशा वो काम करें जिसके ऊपर रिवार्ड है वो काम ना करें जिसके ऊपर पनिशमेंट है क्योंकि उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज हो सकता है पनिशमेंट हो सकती है प्रमोशन डिले हो सकती है तो ये चीज़ें डी स्टूडेंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बिहेवियर डेवलप करें जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में इंडिविजुअल का बिहेवियर फिट होता है ताकि रिवार्ड भी मिलेगा प्रमोशन भी मिलेगी रिस्पेक्ट भी मिलेगी रिप्यूट भी मिलेगा और विद इन फ्यू टाइम यू विल मेक लॉट ऑफ प्रोग्रेस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी इशूज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंटेम्प्रेरी कहते हैं रूटीन में रोजमर्रा में जो बिहेवियर के इशूज़ आते हैं उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कि एक आर्गनाइजेशन के फ्रेमवर्क के अंदर जो इशूज़ आते हैं वो कौन से हैं ये कई तरह के हैं कुछ तो बिहेवियर के रिलेटेड इशूज़ हैं कुछ एम्प्लॉ के रिलेटेड इशूज़ हैं कुछ सुपरवाइजर के रिलेटेड इशूज़ हैं कुछ स्टाफ मैनेजमेंट की तरफ से इशूज़ हैं कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इशूज़ हैं तो कई किस्म के यहाँ पर इशूज दिए स्टूडेंट्स आ सकते हैं एवरी ईयर सिंस नाइनटीन नाइनटी एट ये कुछ फिगर बयान करने की कोशिश गई है स्लाइड्स में मैनेजिंग जनरेशन डिफ्रेंस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक एम्प्लॉई आज शॉप हायर कर रहे हैं उसका थिंकिंग प्रोसेस कंपेरिटिवली क्विक होगा शार्प होगा अंडरस्टैंडेबिलिटी कम्पेरिटिवली नॉट ऑल द टाइम ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एम्प्लाई हुड ट्वेंटी ईयर्स बैक ट्वेंटी ईयर बैक वाला शायद टेक्नोलॉजी से इतना फेमिलियर ना हो जितना कि नया बच्चा फेमिलियर है इसी को हम लोग जनरेशन डिफरेंसिस या जनरेशन गैप भी बोलते हैं मैनेजिंग जनरेशन डिफरेंस अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं जनरेशन गैप के वाले से तो उसको मैनेज कैसे करना है अगर आपका एक एम्प्लॉय वेल ट्रेन नहीं है नो प्रॉब्लम यू हैव टू ट्रेन हिम डोंट ट्राई टू फाइल दैट एम्प्लॉय एम्प्लॉय को वहाँ यूज़ कर ले जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो टेक्निकल काम ना दें जिसके अंदर वो एक्सपर्ट नहीं है इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस होगा एम्प्लॉय स्ट्रेस में चला जाएगा एबसेंटिजम करेगा टर्न ओवर ज़्यादा हो जाएगी तो कोशिश करें कि ये जो डिफरेंसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करें एनालाइज करें और मैनेज करें इस तरह ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं डी स्टूडेंट्स इनका बुनियादी मकसद यही है मैनेजिंग नेगेटिव बिहेवियर इन वर्क प्लेस वर्क प्लेस में सम टाइम एम्प्लॉइज का नेगेटिव बिहेवियर होता है नेगेटिव बिहेवियर क्या है वो बिहेवियर जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करती लाइक like नहीं करती आइडियल बिहेवियर नहीं है उसे हम नेगेटिव बिहेवियर का नाम दे रहे हैं और नेगेटिव बिहेवियर को मैनेज करना ये मैनेजमेंट की जरूरत है मैनेजर का आर्ट है जो मैनेजर अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल किए बग़ैर इम्प्लॉय से काम लेगा वो उनके दिलों की मदद से काम लेगा वो अपनी अथॉरिटी की, की मदद से काम नहीं लेगा इसका ये मतलब है कि अब मैनेजर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो एज ए रोल मॉडल हो बाकी सबऑर्डिनेट उसको रोल मॉडल समझते हुए वो काम करना शुरू कर दें इन अ सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट इम्प्लाईज परसेंट अ वीक इनसीबिलिटी कहते हैं कि रूड बिहेवियर बाय द सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है टेन परसेंट क्या कह रहे हैं कि हम विटनेस हैं कि डेली रूड बिहेवियर हमारे साथ शो किया जाता है बीस फीसद कह रहे हैं कि एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा लाजमी किया जाता है तो इसका मतलब क्या है मैनेजर ये सोच रहा है कि सब आर्डिनेट से काम लेने के एक बेस्ट वे रूड बिहेवियर एंड नो no. अब में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है इस चीज को भी डी ए हमें जेहन में रखना है अब वो चाहे मैनेजर है चाहे टॉप मैनेजर है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का सी है उसके अखिलाफ को बेहतरीन एग्जाम्पल होना चाहिए और उसको काम लेने के लिए टैक्टिक्स आने चाहिए कि एम्प्लॉ को फ्री फ्रैंक कभी सख्ती करनी है कभी गुस्सा करना है कभी नॉर्मल बिहेव भी करना है और इम्प्लॉ को एजुकेट करना है जब आप अपने इम्प्लॉ को एजुकेट कर लेंगे तो उनसे काम लेना बहुत आसान हो जाएगा सम टाइम्स पुट द कास्ट ऑफ नेगेटिविटी टू द यू एस इकोनोमी एक्ट सम एस्टिमेट्स एंड ये स्टूडेंट ये जरा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है थ्री हंड्रेड बिलियन आ ईयर ये क्या है मैं दोबारा बताता हूँ सम एस्टिमेट्स पुट द कास्ट ऑफ नेगेटिविटी टू द यू एस ये नेगेटिव बिहेवियर की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है वो वोवरल इकोनॉमी में जब काउंट किया गया वो थ्री हंड्रेड डॉलर बिलियन में है जो कि एक साल में वो पे कर रहे हैं नाइन्टी फाइव वट कैन मैनेजर्स डू टू मैनेज नेगेटिव बिहेवियर इन द वर्क प्लेस यह क्वेश्चन आपके लिए क्या करना चाहिए नेगेटिव बिहेवियर एम्प्लाई का पहले तो उसको ट्रेन करें एजुकेट करें गाइड करें ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ जॉब ट्रेनिंग फिर उसको बताएं कि यू आर वैल्यूएबल एसेट फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेगा तो ऑटोमेटिकली वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम करेगा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंप्लाई उस वक्त तक बेटर रिजल्ट नहीं देगा जब तक आप इंप्लाई की साइकी से डील नहीं करेंगे जॉब क्या है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंट्रैक्ट बिटवीन इम्प्लाई एंड एम्प्लॉयर ये उसके ट्रेड्स का एग्रीमेंट नहीं है उसके साइकी का एग्रीमेंट है कि एम्प्लाई का एम्प्लॉय के साथ वो है जॉब एग्रीमेंट आपका तो इन चीज़ों को जब आप मैनेज कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसके नेगेटिव बिहेवियर को मैनेज कर लेंगे पर that negative behavior does not exist or ignoring such misbehavior will only confuse employees about what is expected and accepted acceptable behavior. एक्सेप्टेबल बिहेवियर बस नेगेटिव बिहेवियर इस तरह का नहीं है कि वो उसको अवॉर्ड ना किया जा सके नॉर्मल सा होता है उसने टॉन्ट कर दी या बुलिंग बुलिंग कर दी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन उसकी शिद्दत इस तरह की थी वो एक्सेप्टेबल है जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि ऑल द हु आर परफॉर्मिंग एम्प्लाईज डूइंग द नेगेटिव बिहेवियर यू हैव टू मैनेज इट अगर उसको मैनेज नहीं करेंगे तो कल को वो कोई मेजर किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करने का बायस बन सकता है मैनेजिंग नेगेटिव बिहेवियर इन अ वर्क प्लेस प्रिवेंटिंग नेगेटिव बिहेवियर बाई केयरफुल स्क्रीनिंग पोटेंशियल इंप्लाईज फॉर सर्टेन पर्सनलिटी टू टूट्स एंड रिस्पॉन्डिंग इमीजिएटली एंड डिसप्टवल नेगेटिव बिहेवियर कैन गो लॉन्ग वे टू वर्ड मैनेजिंग नेगेटिव वर्क प्लेस बिहेवियर जब गलती हो उस वक्त उसको आइडेंटिफाई करना है गलती हो उसी वक्त कोएक्टिव एक्शन लेना है अगर आप उसको डिले कर देंगे तो आप उसके ऊपर कोएक्टिव एक्शन नहीं ले सकते इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंप्लाई के नेगेटिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें उस बंदे को गाइड करें एजुकेट करें This is the best practice to get better result from your employees.